हेलो गाइस, मैं हूँ आरसी और आप देख रहे हैं आरसी गेमिंग चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपेक्स लेजेंड के बारे में, जो कि आने वाला है मोबाइल डिवाइस के लिए। कंफर्म कर दिया है खुद एपेक्स लेजेंड के डेवलपर ने, तो क्या उन्होंने एक रिलीज डेट भी दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में उस रिलीज डेट के बारे में बताऊंगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इस गेम को अपने मोबाइल डिवाइस में चलाने के लिए। तो इस वीडियो में सारी बातें आपको बताऊंगा, गेम से रिलेटेड मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो अगर दोस्तों आपको जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। वेल, तो क्या रिलीज डेट है, चलिए देखते हैं। तो अगर इस बात करें एपेक्स लेजेंड की, तो जो कि अभी पीसी में और कंसोल में लॉन्च हुआ है, और इसको दोस्तों 3 दिन, मतलब इस गेम को जब लॉन्च हुआ था तो इसको 3 दिन के बाद ही मतलब 10 मिलियन प्लेयर्स को ज्वाइन कर चुके थे, इस गेम को मतलब खेल चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना पॉपुलर हो रहा है ये गेम। और गाइस, ये गेम दोस्तों फोर्टनाइट से भी आगे निकला, क्योंकि दोस्तों फोर्टनाइट को 2 हफ्ते लगे थे 10 मिलियन प्लेयर अचीव करने के लिए। दोस्तों इसने 3 दिन के अंदर 10 मिलियन प्लेयर अचीव कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों इस गेम के लिए। तो ये दोस्तों अभी ठीक ठाक, मतलब इस गेम का जो पॉपुलैरिटी अभी बहुत अच्छे चल रहा है, मतलब बहुत लोग खेल रहे हैं इस गेम को। बनाया गया है रिस्पॉन एंटरटेनमेंट की तरफ से, और ये दोस्तों ये वही कंपनी जो टाइटनफॉल गेम बनाती है। तो उन्होंने दोस्तों गेम के अंदर जो वेपन्स होते हैं, जो फिजिक्स और जो फ्यूचरिस्टिक मतलब वेपन होते हैं, वो सब सेम टाइटनफॉल से उठाया है। मतलब कुछ कैरेक्टर मिलेंगे, उसके अलग अलग स्पेशल एबिलिटी होगी दोस्तों ये, और इसलिए दोस्तों ये अलग अलग बैटल रॉयल गेम बन जाता है। दोस्तों बात कर लेते ये गेम आने वाला है कब है मोबाइल डिवाइस के लिए। तो दोस्तों कंफर्म कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट की तरफ से और रिस्पॉन एंटरटेनमेंट के सीईओ से की तरफ से कि ये गेम, उनका प्लान है कि ये इस गेम को मोबाइल डिवाइस में भी लाने का। तो उन्होंने एक रिलीज डेट भी बताया है कि सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर में आ जाएगा। उनकी तरफ से कन्फर्म कर दिया कि मोबाइल डिवाइस में आने वाला है, और कब आएगा दोस्तों एग्जैक्ट रिलीज डेट तो उन्होंने बताया नहीं, और दोस्तों स्पेसिफिकेशन भी नहीं बताया कि मोबाइल डिवाइस में क्या रिक्वायरमेंट होगी इस गेम को चलाने के लिए। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि ये पबजी को टक्कर नहीं दे पाया, क्योंकि दोस्तों पबजी जो अपने में यूनिक है, क्योंकि वो अपने में यूनिक है दोस्तों, क्योंकि जो उसका गेम प्ले है, जो उसका मैकेनिज्म है, फिजिक्स सब कुछ रियलिस्टिक है, जो कि लोगों को पसंद आ रही है। मनी कार्ड ट्राई कर रहा है और इस गेम को मोबाइल में भी लाना चाहता है, ताकि मोबाइल डिवाइस में फोर्टनाइट पबजी को टक्कर दे सके। और गाइस, मुझे लगता है कि इस गेम को चलाने के लिए हमारे मोबाइल डिवाइस में कम से कम 3 GB रैम से ऊपर होना चाहिए और अच्छा खासा प्रोसेसर होना चाहिए, तभी ये गेम चल पाएगा। आई होप दोस्तों इस गेम को अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक आर्ट ऑप्टिमाइज करें और मोबाइल डिवाइस के लिए जल्द से जल्द लाए। तो अगर दोस्तों अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है ये गेम, तो चांसेस है दोस्तों पबजी और फोर्टनाइट को पीछे छोड़ने के लिए मोबाइल डिवाइस में। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों इसके रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बता ही दिए, तो यही दोस्तों उनकी तरफ से जो कंफर्म किया गया है, तो मैंने आपको आर्टिकल्स दिखा दिए कि कंफर्म कर दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको समझ गया होगा मैंने जो वीडियो में बताया। तो अगर दोस्तों आपको समझ गया, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर दोस्तों आपने ये सब कर दिया तो मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक्स दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।